नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। मैं हूं तपन चौधरी, उपस्थित हूं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। दोस्तों, आप सब लोग बहुत समय से जिस नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे वो जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जो SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसने कल रात को SSC CHSL 10+2 2024 एग्जाम का जो नोटिफिकेशन दोस्तों वो जारी कर दिया गया है। काफी अच्छी संख्या में आप लोगों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर दोस्तों इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आप में से जो लोग पहले से SSC की तैयारी कर रहे हैं, जो एक दो बार एग्जाम दे चुके हैं, उनको तो पता होगा कि ये एग्जाम क्या होता है। लेकिन काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता होगा, जो भी 12th पास करके ही आए हैं, जिनको इस एग्जाम के बारे में नहीं पता है, दोस्तों उनको मैं बता देना चाहता हूँ। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सरकारी कर्मचारी जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर ए ग्रेड, लोअर डिविजन क्लर्क LDC और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यानी कि JSA दोस्तों, इनकी पोस्ट पर भर्ती करने के लिए दोस्तों SSC CHSL का एग्जाम लिया जाता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर आपको इस एग्जाम से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, यानी कि आपकी जो भर्ती हो रही है SSC CHSL 2024 नोटिफिकेशन के द्वारा, क्या इसके अंदर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कितनी आपकी इसके लिए एज लिमिट चाहिए, कितनी इसमें अप्लाई करने के लिए फीस लगने वाली है, कितनी आपको दोस्तों इसके अंदर सैलरी मिलने वाली है, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, क्या आपके एग्जाम का सिलेबस रहने वाला है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको SSC CHSL नोटिफिकेशन 2024 को लेकर A to Z जानकारी आपको देने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके मन में इसको लेकर कोई भी डाउट, कोई भी संदेह नहीं रहने वाला है। दोस्तों इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी घंटी को दबाएं और ऑल पर टिक करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के अलग अलग गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट तरफ से आने वाली अपडेट और वैकेंसी को लेकर वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कल को गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अपडेट या कोई वैकेंसी आती है तो आपको उसकी जानकारी मिलेगी सबसे पहले आपके अपने फोन पर। दोस्तों तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम बात करें आपके नोटिफिकेशन की, यह है आपका SSC CHSL 10+2 नोटिफिकेशन 2024। दोस्तों आपको CHSL यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि आपका जो 12th पास है, 10+2 पास स्टूडेंट है दोस्तों, वो इसके लिए एप्लीकेबल है। वो इस एग्जाम के जरिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके जो पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो डिपार्टमेंट हैं उनके अंदर दोस्तों LDC JSA और डाटा एंट्री ऑपरेटर दोस्तों बन सकते हैं, और इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी दोस्तों सैलरी मिलती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके अंदर वैकेंसी की, कि आपकी इसके अंदर दोस्तों कितनी वैकेंसी है। तो देखिए दोस्तों, इस साल जो SSC ने आपके CHSL के अंदर वैकेंसी निकाली है वो है आपकी 3712 वैकेंसी, यानी कि अगर बात करें पिछले साल की तो पिछले साल के मुकाबले आपकी दुगनी वैकेंसी निकाली गई है SSC CHSL के जरिए दोस्तों। और इसके लिए हम बात करें दोस्तों अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो दोस्तों अगर आप 12th पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें इसके अंदर एज लिमिट की, तो अगर आपकी एज 18 से लेकर 27 साल के बीच है तो आप इस भर्ती के लिए एप्लीकेबल हैं, आप उसको इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर LDC JSA या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर दोस्तों बन सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है आपकी सैलरी, यानी अगर आप इसके अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको महीने की कितनी सैलरी, कितना वेतनमान मिलने वाला है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप सेलेक्ट होते हैं LDC यानी या फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JSA की पोस्ट पे, तो ये आपके दोस्तों पे लेवल 2 की पोस्ट है, जिसके अंदर आपको महीने के 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए प्रति महीने दोस्तों आपको मिला करेंगे, यानी कि इसके अंदर आपको दोस्तों महीने के 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए प्रति महीने दोस्तों आपको मिलने वाले हैं इस वैकेंसी के अंदर। और अगर आप सेलेक्ट होते हो डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट पर, तो उसके अंदर आपको दोस्तों महीने के 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए दोस्तों मिलने वाले हैं अगर आप लेवल 4 में सेलेक्ट होते हो। और अगर आप सेलेक्ट होते हो लेवल 5 के अंदर, तो उसके अंदर दोस्तों आपको महीने के 29,200 रुपए से लेकर 92,300 रुपए प्रति महीना आपको मिलने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप सेलेक्ट होते हो डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट पर, तो उसके अंदर आपको महीने के दोस्तों 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए प्रति महीना मिलने वाले हैं, जो कि आपके दोस्तों लेवल 4 की पोस्ट है। और दोस्तों एक और चीज जो आपकी एज लिमिट थी वो थी आपकी 18 से 27 साल, लेकिन दोस्तों इसके अंदर आपको आपकी अलग अलग कास्ट और कैटेगरी के बेस पर आपको आयु में छूट यानी कि दोस्तों एज रिलैक्सेशन दोस्तों आपको दिया जा रहा है इसके अंदर गवर्नमेंट के द्वारा,
यानी कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आते हो, कास्ट के अंदर आते हो, तो आपको आपके कास्ट के बेस पर दोस्तों अगर आपकी एज 27 से ऊपर है तो भी आप इसके लिए दोस्तों अप्लाई कर सकते हो, जो आप इस नोटिफिकेशन के अंदर देख सकते हो। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे अच्छी बात आप सब लोगों के लिए कि आपने देखा होगा जितने भी आजकल जो स्टेट के गवर्नमेंट एग्जाम भी होते हैं उनमें आपकी फीस रहती है अप्लाई करने के लिए वो लगभग 400-500 हज़ार रुपये होती है। लेकिन इसके अंदर सबसे अच्छी बात यही है कि अगर आप एसएससी किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो किसी भी नोटिफिकेशन के अंदर, तो आपको सिर्फ 100 रुपये दोस्तों एप्लीकेशन फीस के रूप में देने हैं। सिमिलरली उसी प्रकार से अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हो दोस्तों, तो आप चाहे किसी भी कास्ट किसी भी कैटेगरी से हो, आपके 100 रुपये लगेंगे आवेदन शुल्क के रूप में। और दोस्तों अगर आप एससी एसटी या फिर वोमेन हो तो आपका अप्लाई करना बिल्कुल फ्री है, यानी कि आपको अप्लाई करने के लिए कोई भी रुपए नहीं देने हैं, आपका आवेदन बिल्कुल फ्री है दोस्तों। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप फॉर्म भर देते हो और आप फीस जमा करवा देते हो, फिर आपको पता लगता है कि यार आपसे कोई ना कोई मिस्टेक हो गई है, पापा का नाम भरने में, कोई डिटेल भरने में, एड्रेस डालने में, कुछ भी किसी भी चीज में आपके अगर मिस्टेक हो गई है, तो एसएससी दोस्तों आपको फॉर्म भरने के बाद में 2 दिन का टाइम और देती है अलग से कि आप अपनी मिस्टेक को सही कर सकते हो, आप अपने फॉर्म के अंदर दोस्तों करेक्शन कर सकते हो। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें इस वैकेंसी के लिए इम्पोर्टेंट डेट्स की, यानी कि आप इसके लिए कब से लेकर कब तक फॉर्म भर सकते हो, तो जो इसके लिए फॉर्म भरना है दोस्तों वो शुरू होगा आपका 8 अप्रैल से, यानी दोस्तों आपके 8 अप्रैल से इसके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 7 मई 2024, यानी कि 8 अप्रैल से लेकर दोस्तों 7 मई 2024 तक आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो, यानी लगभग आपको दोस्तों पूरा 1 महीना दिया जा रहा है फॉर्म भरने के लिए। और इसके बाद में भी अगर आपसे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है फॉर्म भरने में, तो आपको 10 और 11 मई तक आप अपने फॉर्म के अंदर दोस्तों करेक्शन करा सकते हो। और दोस्तों इसके साथ साथ आपकी जो एग्जाम कब होना है उसकी डेट भी पहले ही आ चुकी है, आपका इसका जो टायर 1 का एग्जाम है वो होगा आपका जुलाई 2024 के अंदर, यानी कि आपका जुलाई 2024 में एग्जाम होना है, 1 से लेकर 12 जुलाई के बीच में दोस्तों आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा। दोस्तों बात करें आपके यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की, दोस्तों उसके अंदर आपके एग्जाम होगा, पहले टायर 1 होगा, फिर आपका टायर 2 होगा। टायर 1 दोस्तों आपका प्रॉपर क्वालिफाइंग एग्जाम है, उसे कोई मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ेंगे, आपका तो सिलेक्शन होगा आपका टायर 2 के मार्क्स के बेस पर, और एग्जाम आपका ऑनलाइन होना है दोस्तों। और आपके एग्जाम ऑनलाइन होने के लिए जो सेंटर्स हैं वो आप नोटिफिकेशन के अंदर 12 नंबर पॉइंट पे देख सकते हो, कौन कौन से स्टेट के अंदर कौन कौन सिटी हैं जहां पर आपके इसके एग्जाम होने हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो आपके घर के पास हो आप वो अपना सेंटर दोस्तों भर सकते हैं। और दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए इसके अंदर वीडियो बना के लाने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि इस बार फॉर्म भरने का सिस्टम थोड़ा बदल चुका है, वेबसाइट नई है, पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको वो किस, मैं आपको प्रॉपर वीडियो बना के दोस्तों कि किस प्रकार से आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में किस प्रकार से दोस्तों आपको फॉर्म भरना है, उस सब के लिए दोस्तों मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ रहा हूं, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आपके इसके अंदर एग्जाम पैटर्न की, यानी कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है, आपकी जो स्कीम है दोस्तों, आपकी स्कीम क्या रहने वाली है, आपके जो एग्जाम पैटर्न दोस्तों उसकी स्कीम क्या रहने वाली है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया दिया कि आपका टायर 1 और टायर 2 दो फेज में आपका एग्जाम होना है, और उस एक फेज के लिए दोस्तों आपका मल्टीपल शिफ्ट में होगा, यानी कि एक दिन के अंदर आपके 2-2, 3-3 शिफ्ट होंगी जिसके अंदर आपका एग्जाम होना है, और काफी दिन तक दोस्तों एग्जाम चलने वाला है। और दोस्तों टीयर सेकंड में आप तब पहुंचेंगे तब आप पहले टीयर फर्स्ट को क्वालिफाई कर लेंगे। तो एग्जाम आपका होने वाला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला, जिसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन आएंगे, आपको टिक करने होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से, उसके अंदर आपके 400 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपका कोई एक आंसर सही होगा जिसको आपको टिक करना होगा। अगर आप सही करते हो तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, अगर आप गलत करते हो दोस्तों तो आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं आपके इसके अंदर एग्जाम के सिलेबस की। दोस्तों इसके अंदर आपसे 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, दोस्तों इसके अंदर आपसे 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपके मैथ, और आपके दोस्तों जनरल अवेयरनेस। दोस्तों हर सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसके आपके 50-50 नंबर बनते हैं। इस प्रकार से आपके टोटल 200 नंबर का एग्जाम होगा रहने वाला है, जिसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उन 100 क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों आपको 1 घंटा यानी कि 60 मिनट आपको दिए जाएंगे, आपको 60 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन को करना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों अच्छी बात यह है कि आपका जो पेपर 1 है वो क्वालिफाइंग है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको इसको पास करना है। आपका जो सिलेक्शन है वो आपका टायर 2 के मार्क्स
जो एग्जाम के अंदर जो मार्क्स आएंगे दोस्तों उनके बेस पर होने वाला है। और दोस्तों अगर हम बात करें इसके अंदर आपके टीयर सेकंड के एग्जामिनेशन की, वो आपको दोस्तों देखिए दो सेशन के अंदर होगा, सेशन वन सेशन सेकंड। जो आपका सेक्शन फर्स्ट होगा दोस्तों उसके अंदर आपके दो मॉड्यूल होंगे, मॉड्यूल वन और मॉड्यूल सेकंड। दोस्तों मॉड्यूल फर्स्ट के अंदर आपके मैथ्स के 30 क्वेश्चन और मॉड्यूल सेकंड के अंदर आपके रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस दोस्तों 30 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा। इस प्रकार से आपके टोटल 180 नंबर दोस्तों बन रहे हैं सेशन वन के। और दोस्तों एक सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको एक घंटा दिया जाएगा, यानी कि दोस्तों आपके जो 60 क्वेश्चन है इन 60 क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक घंटा दिया जाएगा। फिर दोस्तों आपका जो सेशन वन है उसका जो सेक्शन सेकंड होगा, उस सेक्शन सेकंड के अंदर दोस्तों दो मॉड्यूल है, मॉड्यूल फर्स्ट और मॉड्यूल सेकंड। मॉड्यूल फर्स्ट में आपका रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और मॉड्यूल सेकंड में रहेगा दोस्तों आपका जनरल अवेयरनेस। दोस्तों इंग्लिश के आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे और जीके के दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपके टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। तो इस प्रकार से आपका सेक्शन सेकंड 180 नंबर का रहने वाला है जिसके अंदर 60 क्वेश्चन है। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो इंग्लिश है और कॉम्प्रिहेंशन है उसका वेटेज ज्यादा 40 क्वेश्चन है और जो जीके है उसका वेटेज कम है, उसके दोस्तों सिर्फ 20 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका सेक्शन वन का एक घंटा 60 सवाल मैथ्स और रीजनिंग, सेक्शन सेकंड के आपके दोस्तों 60 सवाल इंग्लिश और जीके, और दोनों के दोस्तों आपको एक एक घंटा दिया जा रहा है करने के लिए। दोस्तों इसके बाद में आपका सेक्शन थर्ड का एग्जाम भी होना है जिसके दोस्तों आपका मॉड्यूल वन है, यानी कि कंप्यूटर नॉलेज जो एसएससी ने रिसेंटली अभी 2 साल पहले ही ऐड किया है। उसके मार्क्स दोस्तों आपके फाइव एड नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आपको इसको पास करना कंपलसरी है, यानी कि आपको इसको क्वालिफाई करना ही होगा। यानी अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करते हो और चाहे आपके सेक्शन फर्स्ट सेक्शन सेकंड में कितने अच्छे मार्क्स हैं, दोस्तों आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यानी कि आपको कंप्यूटर के टेस्ट को इस सेक्शन थर्ड को क्वालिफाई करना कंपलसरी है, जिसकी तैयारी आप कर सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखे हैं अगर आप थोड़ा बहुत उनको पढ़ लेते हैं तो आप दोस्तों इसकी तैयारी कर सकते हैं, आप इसको आसानी से पास कर सकते हैं। लेकिन आपको इसको ज्यादा हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो सिर्फ कंप्यूटर के वजह से रह गए वरना उनकी कट ऑफ क्लियर थी। दोस्तों इसके बाद में आपका होगा सेशन सेकंड जिसके अंदर आपसे स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा, यानी कि अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बनते हो दोस्तों तो आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा, उसको भी दोस्तों क्वालिफाई करना कंपलसरी है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो टायर सेकंड का एग्जाम है होने वाला है। तो दोस्तों देखिए आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो आपका टायर सेकंड के बेस पर ही होना है। दोस्तों यह थी आप सब लोगों के लिए एसएससी के द्वारा जारी किए गए नोटिस को लेकर संपूर्ण जानकारी। दोस्तों वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक या अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। आपका दिन शुभ हो।